हेलो, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों ने खानी थी सेवियां और उसके पापा ने भी खानी थी, तो मैं ये बना रही हूँ सेवियां। बारिश के मौसम में मन तो करता है पकोड़े वगैरह खाने का, लेकिन इन्होंने खाने हैं ये सेवियां, मीठा खाना है। तो बारिश अब भी हो रही है, सुबह से ही शुरुआत है बारिश की। तो खाना भी मैंने आज गैस पर ही बनाया, वरना मैं चूल्हे पे बनाने वाली थी, क्योंकि बारिश हो रही है और ओपन किचन है बाहर, चूल्हे के ऊपर छत नहीं है, इसलिए मैं गैस पे ही बनाया सारा खाना। तो आज दोपहर के खाने में मैंने भिंडी बनाई थी, तो रोटी और भिंडी सेक ली थी, और दही मैंने घर की बनाई हुई रखी थी। तो अब मैं सेवियां बना रही हूँ। ये सेवियां का पैकेट है, हम लाए थे जब राशन लाए थे, तो ये खोल कर एक कटोरी भर कर बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे सभी खाएंगे। आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है, बाहर कहीं गए भी नहीं, बच्चे भी सभी अंदर है, और काम भी सुबह जल्दी ही हो गया था, क्योंकि सुबह अंदर अंदर का काम करना था, बाहर तो जाना ही नहीं था। और बारिश की वजह से सभी काम भी रुक जाते हैं, क्योंकि बारिश होने पर बाहर तो जा ही नहीं सकते, और बाहर का भी काम सारा रखा है। एक बार बारिश रुक गई थी तो कपड़े धो डाले थे, और वरना कपड़े भी रह जाते। और ये सेविया मैंने कटोरी में निकाल ली है, और दूध मैंने ये गर्म रखा था, तो दूध में भी उफान आ गया है, बॉईल हो गया है हमारा दूध। पहले मैंने दूध ही बॉईल किया है, और ये बाद में मैं सेविया डाल दूंगी इसके अंदर। ये देखिए, दूध बॉईल होने के बाद ही मैंने सेविया डाली है, और सेविया अच्छी तरह से इसके अंदर बॉईल हो जाएगी, इसलिए मैंने बाद में डाली है। पहले मैं बनाती थी तो पहले सेवियां को घी के अंदर मैं भूनने देती थी, ब्राउन कलर की सेवियां कर लेती थी, और बाद में दूध डालती थी, और दूध फिर फट भी जाता था, पता नहीं क्या रीजन रहता है इसके अंदर। तो मैं अब बनाती हूँ तो पहले दूध को बॉयल करती हूँ और फिर सेवियां डालती हूँ, और साथ ही मैं इसके डाल दूंगी चीनी। हमारे ये ज़्यादा मीठा ही खाते हैं, बच्चे भी मीठा खाते हैं और इनके पापा भी मीठा खाते हैं, तो इसलिए मैं चीनी थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी। तो मैंने चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल दी है, और पहले तो मैं अलग तरीके से ही बनाती थी, तो अब अलग तरीके से बनाती हूँ। तो कैसे भी तरीके से बनाए सेवियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बनकर। ये तो हम खरीद कर लाते हैं रेडीमेड सेवियाँ पैकेट वाली, ये तो ऐसे ही बनाई जाती है, लेकिन जो हाथ से निकलती है सेवियाँ अब तो नहीं निकालते। पहले मशीन होती थी, हाथ से सेवियाँ निकालते थे आटे की, और वो पहले हम पानी में बॉईल करते थे और फिर छान कर उसके अंदर घी डालकर और बूरा डालकर फिर खाते थे, और उनका टेस्ट तो बहुत ही स्वादिष्ट होता था। लेकिन अब ये रेडीमेड आती है, यही अभी मैंने रख दी है पकने के लिए, और पक जाए। अभी अभी बारिश रुकी है तो हम छत पे आए हैं, तो ये देखिए बारिश की वजह से छत पे थोड़ा बहुत पानी भी है, और चारों तरफ का मैं दिखा दूँ आपको व्यू, ये देखिए। ये देखिए बारिश रुकने के बाद का व्यू है, ये इतना अच्छा लग रहा है बारिश की वजह से। ये देखिए इस गैलरी में पानी यहाँ पर रुक जाता है, और आज मैंने इस गैलरी की सफाई नहीं की, क्योंकि बारिश कभी हो जाती है, रुक जाती है और फिर से शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ से सफाई नहीं की। और अब रुक रही है बारिश तो मैं यहाँ से वाइपर मार दूंगी। ये देखिए कितना मिट्टी भी है यहाँ पे, और मैं दिखा देती हूँ बाहर का व्यू बारिश होने के बाद, मैंने छत से दिखाया था आपको। बारिश की वजह से यहाँ पर पानी रुक जाता है, और ये देखिए बच्चे भी खेल नहीं पाते, बच्चे भी आज सुबह से ये अंदर ही रुके हैं, रुके पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी है और बारिश थमी नहीं रही थी। अब थोड़ी सी थमी थी, थोड़ा सा छत पे गए थे, और छत पे आने के बाद मैं ये गैलरी में वाइपर लगा दूं और पानी साफ कर दूं, हवा भी चल रही है, और ये फर्श जल्दी ही सूख जाएगा, पानी अगर पानी रहता है ठहरा यहाँ।